नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी शोभा रावत और आपका मेरे चैनल खुशमिजा जिंदगी में एक बार फिर से स्वागत है। आज बनाने जा रही हूं मैं बथुए की सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और बहुत ही अलग तरीके से बनने वाली है। दोस्तों बथुआ बहुत गर्म होता है तो हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बथुए की सब्जी बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक गड्डी बथुआ ले लिया है। मैं यहाँ पे 3 जनों के लिए बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा जनों के लिए बना रहे हैं तो और भी बथुआ ले सकते हैं। तो इसे मैंने 4-5 बार अच्छे से पानी से साफ कर लिया है, पानी से धो के तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले मैंने एक भगोना ले लिया है। भगोने में जो धुला हुआ बथुआ है सारे इसमें डाल लेती हूँ। तो इसके मैंने मोटे मोटे डंठल अलग कर लिए थे। अब इसमें डाल लेती हूँ पानी। पानी को थोड़ा सा मैं बथुए से ऊपर रखूंगी ताकि बथुआ अच्छे से बॉइल्ड हो जाए। तो हमें बथुए को बॉइल्ड करना है ताकि जो हार्ड बथुआ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो हमें सबसे पहले से बथुए को अच्छे से बॉइल्ड करना है। तो इस तरीके से मैंने गैस पे चढ़ा लिया है। अब इसे अच्छे से बॉइल्ड होने के लिए रख देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बथुआ अच्छे से बॉइल्ड हो गया है, काफी सॉफ्ट हो गया है। तो एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ। चेक करने के बाद बथुआ बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसे छन्नी की मदद से प्लेट में निकाल लिया है। तो बथुए को सबसे पहले हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही बथुआ ठंडा होता है तो इसे मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। तब इस तरीके से मैं इसे थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। अब इसमें जितना भी पानी है उसे दोनों हाथों की मदद से मैं इसे निकाल लूंगी। बॉइल करते हुए पानी इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाता है, तो इस तरीके से मैंने इसमें सारा पानी निकाल लिया है। अब बथुए को इस तरीके से मैं फैला लेती हूँ ताकि ये अलग अलग हो जाए। अब बथुआ गर्म होता है तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने ली है राई। राई से दोनों चीज़ें मिला करके ये बैलेंस हो जाता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। अब दूसरी साइड मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें डाल लिया है 1.5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को गर्म होने देती हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें डाल लेती हूँ 1/4 जीरा और 1/4 डाल लेती हूँ जखिया, या आप यहाँ पे सरसों भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही डाल लिया है मैंने 2 सूखी लाल मिर्च और 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। अब इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होता है इसमें डाल लेती हूँ टमाटर। टमाटर डालने से थोड़ा सा सब्जी में खट्टापन आ जाता है, तो बहुत ही टेस्टी बनती है इससे सब्जी। इसके साथ ही डाल लेती हूँ मसाले। मसाले में बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसके साथ ही यहाँ पे डाली मैं 1/4 चम्मच सब्जी मसाला। अगर आपके पास सब्जी मसाला नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा इसमें डाल लेती हूँ पानी ताकि मसाले अच्छे से पक के तैयार हो जाए। अब मसालों को थोड़ा सा चला लेती हूँ और इसके साथ ही डाल लेती हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और 1 से 2 मिनट मसालों को अच्छे से पकने देती हूँ। 1 से 2 मिनट बाद मसालों ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर लिया है और अब इसमें डाल लेती हूँ कटी हुई राई। तो राई को मैंने पहले ही अच्छे से चॉप करके रखा हुआ था। राई के साथ साथ डाल लेती हूँ इसमें बथुआ। तो दोनों सब्जियों को एक साथ ही डालना है। अब राई और बथुए को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए और जल्दी से पके तैयार हो जाए। तो सब्जी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब गैस को कर लेती हूँ मीडियम फ्लेम पर और सब्जी को 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देती हूँ। 4 से 5 मिनट बाद हमारी सब्जी अच्छे से पक के तैयार हो गई है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत ही टेस्टी लग रही है और बहुत ही अच्छा कलर आ रखा है। तो गैस को कर लेती हूँ ऑफ और फटाफट सब्जी को कर लेती हूँ सर्व। और ये हमारी राई और बथुए की सब्जी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। दोस्तों यहाँ पे इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बथुआ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो अगर आपको गर्म ज़्यादा सूट नहीं करता है तो आप इसे राई या पालक के साथ मिक्स करके बना सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की रेसिपी बथुए की सब्जी की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, 1 लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं ऐसी नई नई रेसिपी के साथ नई नई वीडियोज़ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।